Assalamu alaikum, dear learners, and welcome in topic number 16, which is about becoming an entrepreneur through creating your own venture. Aur yahi hamara agenda hai. Yani aapne bilkul scratch se agar apna ek venture establish karna hai, jisko hum startup bhi kehte hain, to aap un tamam cheezon ko kis tarah se dekh sakte hain. Sabse important cheez jo aapko apne zehen mein rakhni chahiye, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएटिंग अ न्यू वेंचर मीन्स आप बिल्कुल स्क्रैच से अपना एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, जिसको आज की बहुत ज़्यादा जो टर्म इस्तेमाल की जाती है, दैट इज स्टार्टअप, उसको कहा जाता है. एक बात याद रखिएगा, क्रिएटिंग अ न्यू वेंचर जिसको हम स्टार्टअप का नाम दे रहे हैं, इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग, इसमें रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसमें आपको कैपिटल भी समटाइम्स ज़्यादा रिक्वायर होता है, ख़ास तौर पर अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं. ये बात भी जहन में रखिएगा कि ये बहुत अनसर्टन भी होता है. आप नहीं जानते कि जो अपना नया बिजनेस करने लगे हैं वो मार्केट में जाके किस तरह परफॉर्म करेगा, ख़ास तौर पर अगर मार्केट बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है. उसके अलावा यूजुअली जो स्टार्टअप्स होते हैं उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, अर्ली फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं. इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनकी ज़िंदगी के यानी बिजनेस के पहले 2-3 साल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, और यूजुअली एक रफ अंदाजे के मुताबिक 80-90% बिजनेसेस स्मॉल स्केल पे स्टार्टअप पहले ही बंद हो जाते हैं, बिकॉज सस्टेन नहीं कर पाते, एंटरप्रेन्योर्स प्रेशर नहीं ले पाते, बाज़ूकात बैंक करप्ट हो जाते हैं, बाज़ूकात प्रोडक्ट डेवलपमेंट के इश्यूज आ जाते हैं, और ख़ास तौर पर फैमिली सपोर्ट नहीं करते, फैमिली प्रेशर्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं कि जितनी जल्दी हो सके नौकरी ढूंढो और बस कमाना शुरू करो. बिजनेस रिक्वायर्स पेशेंस, और सबर का पैमाना बहुत जल्दी लबरेज हो जाता है कुछ लोगों का, और इसीलिए वो बहुत अर्ली फ्रस्ट्रेट होके अपने बिजनेसेस को क्लोज कर देते हैं. अब बहुत से इश्यूज भी आते हैं न्यू वेंचर क्रिएट करते हैं, और उन इश्यूज को डील करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, ये जितने भी चैलेंजेस और इशूज स्टार्टअप्स को आते हैं, इनको डील करने के लिए ही इनक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं. इनक्यूबेशन सेंटर्स आपके बहुत से इश्यूज और चैलेंजेस को थोड़ा सा आपको सहूलियत प्रोवाइड कर देते हैं कि आप वहाँ पे बैठें, आप सोचें, और आपको बहुत से वहाँ पर जो कि इंडस्ट्री के लोग आ रहे होते हैं वो आपको आइडियाज़ दे रहे होते हैं, आपको एडवाइजेस दे रहे होते हैं, और वहीं से आपका एक नेटवर्क डिवेलप होना शुरू होता है, राइट? और नेटवर्क का फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई लीगल, कोई फाइनेंशियल, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आपको मालूम होता है कि आपने किस से जाके अपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है. एक और बहुत बड़ा इशू जो आपको स्टार्टअप्स में, अर्ली स्टार्टअप्स में देखने को मिलता है, वो ये कि मार्केट की नॉलेज बहुत अच्छी नहीं होती. अभी वो मार्केट में गए नहीं होते, सो उनको लगता है कि मार्केट की नॉलेज उनको अच्छी है, लेकिन मार्केट के डायनामिक्स एक्चुअल में बहुत मुख्तलिफ निकलते हैं. आपके पास इनिशियली फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आपकी बहुत लिमिटेड होती है, बाज़ूकात आपको स्किल लेबर नहीं मिल रही होती, आपके प्रोडक्ट डिज़ाइन के इश्यूज आ रहे होते हैं. ये जो आपने सर्विस, अगर आप सर्विस बिजनेस के अंदर हैं तो सर्विस डिज़ाइन जिस तरह आपने की होती है उसके बहुत से इश्यूज आ रहे होते हैं. इसलिए स्टार्टअप एक बहुत मुश्किल जॉब है. इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. मिसाल के तौर पर, आप सबसे पहले अगर आपको कल्चर की, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट की, वहाँ के डेमोग्राफिक की, वहाँ की मार्केट की अवेयरनेस होनी चाहिए, नहीं है तो हासिल करें, जिसको हम दूसरे पॉइंट पे कहते हैं इंफॉर्मेशन सीकिंग. कोई भी बिजनेस करने से पहले इंफॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करें. इंफॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सोर्स. फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज जब जैसे ही आप आवाज़ लगाएंगे कि आपने अपना बिजनेस करना है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपकी एज को लेकर, टाइम को लेकर, पैसों को लेकर, यहाँ तक कि आपकी अपनी फैमिली बाज़ूकात आपके अगेंस्ट चली जाती है, सो आपकी जो इंटेंशन है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए शुरू में. अगर आप अपने डिसीजन पर जो है वो मुकम्मल तौर पर अभी आपको यकीन नहीं है, तो वी एडवाइस यू कि आप टाइम लें और सोचें कि आप वाकई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. उसके बाद अपना जो आइडिया है, प्रोडक्ट के हवाले से, बिजनेस मॉडल के हवाले से, सर्विस डिज़ाइन के हवाले से, टाइम लें, डेवलप करें, कोशिश करें, जिसको हम प्री स्टार्ट प्रिपरेशन का नाम भी देते हैं. कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले, उससे पहले की जितनी आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए.
आपको कंपटीशन का पता हो, आपको प्राइस का मालूम होना चाहिए, सप्लायर्स कहाँ बैठे हैं, किस प्राइस पे दे रहे हैं, कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कौन से आपको रीबेट्स मिल सकते हैं, किन किन मार्केट्स में आप जा सकते हैं, किन किन मार्केट्स में आप नहीं जा सकते, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले लेनी है. और ये सारे स्टार्टअप चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे. उसके अलावा ग्रोथ और एक्सपेंशन, वो जब आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है तो उसके आगे की बातें हैं. आपका नेटवर्क भी डेवलप होगा, आप सर्टेन ट्रेनिंग्स भी लेने के लिए जाएंगे. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने कंसिडर करने हैं वाइल क्रिएटिंग योर ओन वेंचर, बिकॉज आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं. अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की नो हाउ आपको होनी चाहिए. नंबर टू, आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको एक्साइट किया था और मोटिवेट किया था कि आप एंटरप्रेन्योर बने. आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. तीसरा, आपके प्रॉब्लम्स, आपके बिजनेस को जो जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आप उनको पहले ही फोरकास्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप उसको फोरसी करें. नंबर फोर, आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए क्लियरली, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो आपके माइंड में हो. हम आपको बिजनेस प्लान लिखना भी सिखाएंगे. आपका बिजनेस प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए. आपको रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से चाहिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए. इन्फॉर्मेशन भी बहुत बड़ा रिसोर्स है. फिर उसके बाद अपनी मार्केट रिसर्च बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है. मार्केट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें. आपके इन्वेस्टर्स आपसे क्या चाहते हैं अगर हैं, या आप बीइंग इन्वेस्टर अपने आप से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी प्रोडक्ट कितनी रेडी है, कंपेटिटर्स आपको कितना कंपटीशन देने के लिए तैयार हैं. ऐसा तो नहीं कि आप किसी ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जहां पर हेड टू हेड कंपटीशन है, और आप हो सकता है उस हेड टू हेड कंपटीशन में कंपटीशन प्राइस का हो और प्राइस कंपटीशन में आप सर्वाइव ना कर सकें. और सबसे आखिरी एडवाइस, एंटरप्रेन्योरशिप मायोपिया से बचे. व्हाट इज दिस? हम बेसिकली उन एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां पढ़ते हैं जो कि बहुत कामयाब हो चुके होते हैं, और हम बहुत जल्दी उनको आइडियलाइज करते हैं, और बहुत जल्दी हम समझते हैं कि हम भी उस एक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे. हम उनकी जो पीछे की जो स्ट्रगल है उसको भूल जाते हैं. ऐसा मत कीजिएगा. उसकी वजह ये होती है कि आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आप उस पॉइंट पर अभी तक नहीं पहुंच सके, जबकि उनकी जो स्ट्रगलिंग पीरियड है उसको आप ओवरलुक कर जाते हैं. सो इसीलिए किसी भी तरह के मायोपिक विजन का आपने शिकार नहीं होना, खास तौर पे जब आप एक नया वेंचर क्रिएट कर रहे हैं. सो अगेन द क्वेश्चन इज इट ईजी टू क्रिएट अ न्यू वेंचर? द आंसर इज सिंपली नो, इट्स नॉट ईजी. इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट्स कॉस्टली, इट रिक्वायर्स योर एनर्जीज. लेकिन आप जब एक दफा कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप उस चीज को एंजॉय भी, उस सक्सेस को एंजॉय भी करते हैं. आपको अगली वीडियो में मिलते हैं.